नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल टीएनए में। काफ़ी दिनों से कई सारे लोग टाटा हैरियर का 2020 वर्जन लॉन्च होने का इंतज़ार कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। कई सारे लोगों ने कई सारी कमियों के लिए टाटा हैरियर की आलोचना भी की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में टाटा ने हैरियर 2020 को लॉन्च किया है स्टार्टिंग विथ 13,69,000 रुपीज़। और आज की इस वीडियो में मैं टाटा हैरियर और टाटा हेक्सा इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने वाला हूं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा ने जो कमियाँ पुरानी हैरियर में छोड़ी थी वो नई हैरियर में रेक्टिफाई की गई हैं या नहीं। आपको ये वीडियो देखकर कंप्लीटली समझ आएगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, टाटा हैरियर या फिर टाटा हेक्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा हेक्सा के मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट की। हेक्सा XT 4x4 मैनुअल वेरिएंट जो कि टॉप एंड में आपको मिलेगा 19,27,819 रुपीज़ में, यानी कि 19,27,819 रुपये में, जो हैरियर के मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट से 32,819 रुपये से लेकर 52,819 रुपये तक महंगा है। वहीं हैरियर के टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट की अगर हम बात करें तो XZ प्लस आपको मिलेगा 18,75,000 रुपीज़ में, जो कि हेक्सा से 52,819 रुपीज़ सस्ता आएगा। और टाटा हैरियर XZ प्लस डार्क एडिशन अगर आप लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 18,95,000 रुपीज़, जो कि हेक्सा के टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट से 32,819 रुपीज़ सस्ता आएगा। अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक के प्राइसिंग की। हेक्सा XT ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलता है 19,10,995, यानी कि 19,10,995 रुपये का। वहीं टाटा हैरियर XZ प्लस ऑटोमेटिक आपको मिलता है 19,99,500 रुपीज़ में, जो हेक्सा के ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट से 88,505 रुपीज़ महंगा आएगा। और XZ प्लस ऑटोमेटिक डार्क एडिशन अगर आप हैरियर में लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 20,25,000 रुपये का, जो कि हेक्सा के ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट से 1,14,000 रुपये महंगा है। अब जानते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। टाटा की हेक्सा में आपको मिलेगा 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वही हैरियर में ये थोड़ा सा यानी कि मामूली सा ज़्यादा है। हैरियर में आपको मिलेगा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों का कर्व वेट नहीं पता है तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के वज़न के बारे में, जिसे जानकर दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का एक बेसिक अंदाज़ा आप लगा पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। टाटा हैरियर के वज़न की जहां तक बात है, ये आपको आता है 1650 किलोग्राम से लेकर 1675 किलोग्राम तक। वहीं हेक्सा का वज़न है 2113 किलोग्राम से लेकर 2261 किलोग्राम तक। यहाँ पर एक और बात मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगा कि इन दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस आपको मिलता है 5.75 mm का। अब जानते हैं बूट स्पेस के बारे में। टाटा हैरियर में आपको मिलता है 425 लीटर का बूट स्पेस और हेक्सा में आपको केवल 128 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। जाहिर सी बात है, हेक्सा 7 सीटर है तो इसमें थर्ड रो सीट होने की वजह से बूट स्पेस कम ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जहां तक बात है तो हैरियर में आपको मिलता है 50 लीटर का फ्यूल टैंक और हेक्सा में आपको मिलेगा 60 लीटर का फ्यूल टैंक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द व्हील्स और बात कर लेते हैं अलॉयज़ के बारे में। टाटा हैरियर और हेक्सा दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, लेकिन हेक्सा का अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियों में आपको केवल डीजल इंजन मिलता है। टाटा हैरियर 2020 में आपको मिलता है फिएट सोर्स BS6 2 लीटर डीजल इंजन
जिसे आप MG हेक्टर और जीप कंपास में भी देख चुके हैं, जो 170 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 3750 RPM पर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2500 RPM पर। अब इस इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, जबकि पहले केवल मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिला करता था। अब इसे कंपेयर करते हैं हेक्सा में मिलने वाले 2.2 लीटर वेरिकॉर इंजन से। तो हेक्सा का इंजन 156 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 4000 RPM पर और केवल 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 3000 RPM पर। माइलेज पर अगर हम गौर करें तो हैरियर में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का मिला के कंबाइन माइलेज आपको मिलेगा 17 KMPL, वहीं हेक्सा में आपको ये कंबाइन माइलेज मिलता है 14 KMPL का। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स की हम बात करना चाहें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। चलिए जानते हैं कि दोनों गाड़ी में आपको कौन से फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलॉयस की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन हेक्सा में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में 19 इंचेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट इज दोनों गाड़ियों में आपको प्रीमियम लेदर इंटीरियर्स एंड सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। ऑटो हेडलैम्प्स एंड DRLs भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाएंगे। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगला कॉमन फीचर है दोस्तों, जो कि नावाडेज टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में मिलता है, वो है मल्टी ड्राइव मोड्स। हैरियर में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। वहीं हेक्सा में आपको 4 मोड्स मिलेंगे, ऑटो, कंफर्ट, डायनेमिक विच इज़ एज गुड एज स्पोर्ट्स एंड लास्ट इज रफ रोड। हालांकि हेक्सा में ये चारों मोड्स आपको केवल मैनुअल में मिलेंगे, ऑटोमेटिक में आपको सिर्फ एक ही सिंगल मोड मिलता है। अगला कॉमन फीचर है दोस्तों सेफ्टी के बारे में, तो दोनों गाड़ियों में आपको मिलती हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम। दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल। हेक्सा के 4x4 मैनुअल में ही ये मिलेगा, ऑटोमेटिक में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। हिल होल्ड कंट्रोल भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगा, लेकिन हेक्सा में ये केवल मैनुअल में आएगा। रोल ओवर मिटिगेशन भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, पर हेक्सा में केवल मैनुअल में ये आएगा, ऑटोमेटिक में नहीं आएगा। एंड द लास्ट कॉमन फीचर इज हिल डिसेंट कंट्रोल। ये फीचर भी दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन हेक्सा में ये केवल मैनुअल वेरिएंट में आपको टॉप एंड में देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक के वेरिएंट में आपको ये फीचर हेक्सा में नहीं मिलेगा। चलिए अब मुड़ते हैं और जान लेते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको हैरियर में तो मिलते हैं लेकिन हेक्सा में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से, तो सबसे पहला फीचर है ड्यूअल फंक्शन LED DRLs विथ टर्न इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज शार्क फिन एंटीना। उसके बाद में बारी आती है पैनोरामिक सनरूफ की। चौथा फीचर है जो हैरियर में मिल जाएगा लेकिन हेक्सा में नहीं मिलता है, वो है हैरियर में आपको जेनॉन HID प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, जो कि हेक्सा में आपको स्मोक ब्लैक प्रोजेक्टर लैंप्स मिलेंगे। पांचवा फीचर है जो हैरियर में आपको मिलेगा लेकिन हेक्सा में वो अवेलेबल नहीं है, वो है एरो थ्रॉटल हैंड ब्रेक। छठा फीचर है दोस्तों हैरियर में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हेक्सा में आपको केवल टिल्ट पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सातवा फीचर हैरियर में आप पाएंगे वो है पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप। हेक्सा में ये फीचर नहीं मिलेगा। इसमें ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती है, पर जब आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हो तो आप ये फीचर डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो। आठवां फीचर जो टाटा हैरियर में आपको मिलेगा वो है मल्टी ड्राइव मोड्स। इसमें मिलते हैं आपको इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, जो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में देखने को मिल जाते हैं। वही हेक्सा में आपको 4 मोड्स मिलेंगे, जो केवल आपको मैनुअल वेरिएंट्स में ही आते हैं। ऑटोमेटिक में आपको केवल एक ही मोड मिलता है, वो है स्पोर्ट्स मोड विथ रेस कार फंक्शन। वहीं मैनुअल में ऑटो, कम्फर्ट, डायनामिक एंड रफ रोड, ये 4 आपको मोड्स मिल जाते हैं।
ग्यारहवां फीचर है दोस्तों जो आपको हैरियर में मिलता है लेकिन हेक्सा में नहीं मिलेगा। ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, आपको ये हेक्सा के मैनुअल वेरिएंट में मिल जाएंगे लेकिन ऑटोमेटिक में देखने को नहीं मिलते। वही हैरियर में ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशंस में मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर है हिल होल्ड कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट इज रोल ओवर मिटिगेशन एंड द लास्ट इज ट्रैक्शन कंट्रोल। 12वें फीचर की तरफ अगर हम मुड़े तो हैरियर आपको ऑफर करती है ब्रेक डिस्क वाइपिंग जो कि हेक्सा में नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज ESP टेरेन मोड। जी हाँ, टाटा हैरियर में आपको ESP टेरेन मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, रफ एंड वेट। नाउ लेट्स मूव ऑन और बात करते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको हेक्सा में मिल जाएंगे लेकिन आपको हैरियर में ये फीचर देखने को नहीं मिलते। और सबसे पहला फीचर है हेक्सा में आपको मिलते हैं 19 इंच अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। दूसरा फीचर है हेक्सा में आपको हीटेड ORVMs मिलते हैं। तीसरा है फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट। चौथा है हैरियर में आपको 10 JBL के स्पीकर्स आते हैं, यानी कि 5 स्पीकर प्लस 4 ट्विटर प्लस एक सब वूफर विद एम्पलीफायर आता है। हैरियर में आपको केवल 9 स्पीकर्स मिलते हैं। वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में 9 हो या 10 हो, म्यूज़िक की क्वालिटी एंड क्लैरिटी बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत है। पांचवा फीचर दोस्तों जो हेक्सा में मिलेगा लेकिन हैरियर में नहीं मिलेगा वो है 4 मल्टी ड्राइव मोड्स। हेक्सा के मैनुअल वेरिएंट में आपको 4 मोड्स मिलते हैं, हैरियर में आपको केवल 3 मिलेंगे। ऑटो, कंफर्ट, डायनामिक एंड रफ रोड, ये वो 4 मोड हैं जो आपको हेक्सा में देखने को मिलते हैं। और हैरियर में आपको इको, सिटी एंड स्पोर्ट, ये 3 ही मोड मिलते हैं। ऑटोमेटिक में हेक्सा में आपको केवल स्पोर्ट्स मोड आता है विथ अ रेस कार फंक्शन। छठा फीचर है दोस्तों जो हेक्सा में XT 4x4 में आपको मिल जाएगा मैनुअल में, वो है टॉर्क ऑन डिमांड का फीचर, जो हैरियर में ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है। सातवां फीचर है दोस्तों 8-way एडजस्टेबल सीट विथ लंबार सपोर्ट, ये भी आपको हेक्सा ऑफर करेगी, हैरियर में ये नहीं मिलेगा। आठवां फीचर इंजन ड्रैग कंट्रोल का ऑप्शन जो है सेफ्टी फीचर में आपको हेक्सा में मिल जाता है। नौवां फीचर है हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हैरियर में आपको किसी भी तरीके से कोई भी इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का फीचर नहीं मिलता। चलिए अब बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो टाटा हैरियर में आपको मिलती है 2 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी और हेक्सा में आपको मिलेगी 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी। तो ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैनुअल वेरिएंट में हैरियर हेक्सा से सस्ती आती है और ऑटोमेटिक में हेक्सा हैरियर से सस्ती आती है। हैरियर में बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है तो वहीं हेक्सा 6 और 7 सीटर के ऑप्शन में अवेलेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलता है लेकिन हैरियर में ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा माइलेज देने वाला बेहतर इंजन मिल जाता है, ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा ड्यूअल फंक्शन LED DRLs भी मिलती हैं एंड सनरूफ मिल जाता है। वही हेक्सा में बहुत ही ज़्यादा और बेहतर बिल्ड क्वालिटी आती है, 6 और 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है, बेहतर वारंटी ऑफर मिलती है। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या टाटा ने हेक्सा में सेम हैरियर वाला इंजन और सेम मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं देकर कोई गलती तो नहीं की। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा।